नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शक, आइए दो शब्द हमारे ट्रेनर सर से आप सभी को मिलवाते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। सर बताइए दर्शकों को। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अचिंत कुमार महतो है। हम बच्चे लोग को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जो बच्चा लोग आता है सबको पूरा मिशन दिया जाता है, इसे बिना काम सिखाए नहीं छोड़ा जाता है, कोई झूठ सूच नहीं बोला जाता है यहाँ। और मेंटेनेंस भी आप सिखाते हैं, मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है। ये हमारे ट्रेनर सर है, देखिए ये हमारे ट्रेनर सर हैं जो बच्चों को बताएंगे कि डीजल कैसे डालते हैं हम लोग एक्सकवेटर मशीन में। बताइए सर बच्चों को। इसको खोलना पड़ेगा, ये खोलना होगा, ये ऊपर उठेगा, ये खुलेगा, अब डीजल डाल, इसको खुल जाएगा। उसके अंदर एक फिल्टर भी होता है शायद। हाँ, सर फिल्टर है, एक फिल्टर है। अच्छा, इसकी कितनी कैपेसिटी है सर डीजल जानने की? 135 लीटर। हाँ, 135 लीटर इसमें डीजल डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है डीजल इसमें कैसे डालते हैं और कितना इसकी कैपेसिटी। देखिए सारे स्टूडेंट ट्रेनर सर के साथ में डीजल डालते हुए, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल था। वैसे तो गाड़ी भी चलाने हाथ में मिलती है लेकिन ये प्रैक्टिकल काफ़ी है। ये देखिए एक्सकवेटर मशीन में डीजल डालते हुए डीजल टैंक। जैसे कि आप जानते हैं सेफ्टी की बात भी है, डीजल डालने के बाद में उसका टैंक बंद होना चाहिए, ढक्कन बंद होना चाहिए। बंद कीजिए, बिकॉज फायर का भी चांसेस होता है ना। डीजल एक फ्लेमेबल लिक्विड है, ज्वलनशील लिक्विड, आग लग सकती है, तो उसको लॉक करके रखना ज़्यादा सेफ होता है। तो ये लॉक करते हुए, थोड़ा देर पहले आप ये भी बता रहे थे बच्चों को, मैंने देखा कि भाई डीजल कैसे डालते हैं। हालांकि बात छोटी सी है लेकिन हर एक बात छोटी बड़ी बात सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं। हाइड्रोलिक कितना लगता है मशीन में, गियर ऑयल कितना लगता है, मोबिल कितना लगता है, सब कुछ बताते हैं, सारा मेंटेनेंस बताते हैं। इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कटिंग कैसे करना है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करना है ना, सारा चीज़ आप बताते हैं। और पूरी तरह से हाथ में गाड़ी देते हैं ना सर, सहमत हैं आप सभी सर गाड़ी देते हैं हाथ में? तो जी बहुत अच्छा ट्रेनर है। आइए मिलते हैं हमारे अमजद जी, अमजद से वो सर के बारे कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। मैं तो जो ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग जो हमारे मतलब यहाँ ट्रेनर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप यहाँ पे आएंगे ना तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं मतलब कि आप कहीं हेल्पर ही करने गए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड है, खुश हो गए आप? कोई भी मशीन मिल जाए हम चला सकते हैं, अभी जितने लोग हमारे साथ में है ना, अभी कहीं भी जाके कोई भी मशीन चला सकते हैं किसी भी कंपनी का। ये कॉन्फिडेंस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट की अच्छी ट्रेनिंग के वजह कर ही ये कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर आया है ना। और सबसे बड़ी बात हमारे इंस्टीट्यूट की ये है कि हम लोग आपके समय को अपना समय समझते हैं, आपके भविष्य को अपना भविष्य समझते हैं, आपके पैसे को अपना पैसा समझते हैं और काम सिखा के काम पे गारंटी के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो देश की भलाई के लिए इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस में लगाएँ, इसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और देश में हमारे सभी भाई काम सीखें, सभी काम पर लगे, कोई बेरोज़गार नहीं रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।